वॉट इज़ वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है ये, परेशान मत होइए अगर आपको लग रहा है कि मैम थ्योरी तो लिखवाओ, थ्योरी आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कार्बन है और इससे मैंने चार ग्रुप अटैच कर रखे, तीन हमारे R ग्रुप है, एक हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या है, इस एक कार्बन पे हमारा क्या है, मतलब इस एक कार्बन पे हमारा एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो मतलब पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसीलिए इसको नाम दिया गया है वन ग्रुप। बट मैम डिस्कनेक्शन कराएंगे कहाँ से, बात तो ये है। सबसे पहली बात कि डिस्कनेक्शन हमें कराना है सी एक्स वाला नहीं, हमें डिस्कनेक्शन कराना है कार्बन कार्बन वाला, ठीक है। तो अब मैम इनमें से तीनों आरों में से कौन सा भी ब्रेक कराएंगे, कोई भी ब्रेक कराइए, R1, R2, R3। देखिए आप इधर से डिस्कनेक्ट करा सकते हैं, इधर से या फिर इधर से, कहीं से भी डिस्कनेक्ट कराइए, आपको सेम ही जो आपके सिंथॉन्स हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे, तो आप कहीं से भी कराइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। ऑल्सो इसका नाम क्या है, वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में आप तीन तरीके के डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे आप क्या, 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, इसको मैं DIX लिख सकती हूँ, 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। मैम क्या ये वन ग्रुप के ही एग्जाम्पल हैं? हाँ जी, ये सारे के सारे वन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। बट मैम आपने तो 1-1, 1-2, 1-3 ये सब मेंशन क्यों किया है? देखिए स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज़ इसको अपने ब्रेन में नोट कर लीजिए कि जब भी हम वन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आप किसी भी पोजिशन से ब्रेक कराइए, लेकिन जो हम पे फंक्शनल ग्रुप होगा वो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ही अटैच होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई ये वन ग्रुप है। और कार्बन कार्बन में 1-1, 1-2, 1-3 क्या है ये भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है, देखिए ये जो है इसी कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसी कार्बन से हमारा कार्बन अटैच है जिसको हम ब्रेक करा रहे हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा जिससे हमें डिस्कनेक्ट कराना है वो वाला कार्बन अटैच है। इसलिए क्या हो गया, ये 1-1 इसका रेट्रो कर रहे हैं, 1-1 सॉरी कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ठीक है। मैम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। किस चीज़ का, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप हमारे साथ अटैच है ना इसके साथ, वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। मैम ये तो उस ट्रिक से भी सॉल्व हो रहा है, लाइक यहाँ पे होता है हमारा पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, दैट्स मीन इस वाले निकलने वाले ग्रुप पे क्या आएगा हमारा आर नेगेटिव। तो क्या बनेंगे इसके सिंथॉन्स, आर नेगेटिव प्लस में आर आर ओ एच, एंड यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, RMgBr बना लो, RLi बना लो, RMgX में कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं हम। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो थोड़ा दिमाग चलाइए, डायरेक्टली क्लोरीन का अटैक करा के मत बनाइएगा। ये हमने जो टेबल पढ़ी थी ना उसमें हमने पढ़ा था, क्या होगा ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर डोनेट करेगा और क्या बना देगा हमारे पास, कीटोन बना देगा, आर आर, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया हमारे पास कीटोन, ओके। इसका सिंथेसिस कर सकते हैं ना, सिंथेसिस में तो कुछ है नहीं, ये सिंपल इधर से निकलेगा MgBr है ना, और यहाँ नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और फिर डायरेक्टली आप वन स्टेप में आप इसका सिंथेसिस दिखा सकते हैं, ठीक है। सीधा ये लिखिए और ये प्रोडक्ट बना लीजिए, बस ख़त्म, ठीक है। ये था क्या आपका 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। इन वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन द बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज क्लीव्ड, ठीक है, दो कार्बन एटम्स के बीच का बॉन्ड हमने क्लीव करा है। इन वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप एंड सो वी मस्ट कॉल दीज वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, ठीक है।
तो क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या वन ग्रुप डिसकनेक्शन बोल रहे हैं। अब हमारे पास है वन टू डिसकनेक्शन के, मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब बात यह है कि मैम सबसे पहले तो नेमिंग ही कर देते हैं, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप के साइड वाले को वन दे देते हैं ना। अब क्या है, वन पे ही हमारे पास ग्रुप अटैच होना चाहिए, वन पे ही हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो अब बात है क्या, अब बात ये कि मैम ब्रेक होगा कहाँ से, है ना। अब क्या है स्टूडेंट्स, देखो ये वन है और ये टू है, तो जब आपके पास किसी मॉलिक्यूल में पोजिशन है, लाइक अगर आप 1 1 1 2 एंड 1 3, आपके पास दोनों तीनों डिसकनेक्शन हो सकते हैं, जैसे इस गिवन एग्जाम्पल में आपके पास दो डिसकनेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या, 1 1 डिसकनेक्शन भी हो सकता है और 1 2 डिसकनेक्शन भी हो सकता है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, 1 2 वाले को प्रेफर करेंगे। ओके तो चलिए करिए प्रेफर। देखिए 1 2 का क्या मतलब है कि फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच है हमारे पास, एल्कोहल, और सेकेंड वाले पे हमारे पास क्या, एल्काइल, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले ग्रुप को डिसकनेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, इसको करते हैं तो क्या होता, 1 1 CX डिसकनेक्शन होता है ना, क्योंकि कार्बन और कार्बन तो यही वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच वाला बॉन्ड जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन। मैम ये क्या बात हुई, 1 2 वाले को बोलते हैं 1 2, तो देखो स्टूडेंट्स आपके पास, और देखो दोबारा देखो, 1 से फंक्शनल ग्रुप, 1 से कार्बन, अब क्या है 1 से फंक्शनल ग्रुप लेकिन 2 से एल्काइल, दैट इज कार्बन, दैट इज व्हाई वी आर नेमिंग इट एज 1 2 डिसकनेक्शन। आई होप आपको समझ आया हो। अब देखो अब क्या है, अब मैम आपने इसको इधर से क्यों तोड़ा, इधर से क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यार देखो यहाँ पे तो 1 2 डिसकनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन ही नहीं है इतने। अब देखो बिकॉज वी आर प्रेफरिंग दिस वन, सो नाउ डिसकनेक्टेड। देखिए मैम हम बताते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है दो, क्या क्या, कि मैम एक तो ये कार्बन लेके जाए, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर नेगेटिव बने, तो दोनों बना देते हैं। क्या हो सकती है, आर नेगेटिव बनेगा, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, ये OH है आप पे, यहाँ पे आर ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, ठीक है। एक और क्या बन सकता है, एक बन सकता है अगर ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना, आर OH, इस कार्बन ने नेगेटिव ले लिया, प्लस में आर के पास क्या रह गया, पॉजिटिव। ओके अब ये देखिए इनमें से कौन सा वाला प्रेफरेबल होगा, देखिए मैम हम अपना साइंस लगाते हैं, हमारे साइंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मैम ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के एडजेसेंट वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, राइट, तो दैट मीन्स हम इस वाले पाथ को फेवर करेंगे, ठीक है ना, यही तो बोलोगे ना बच्चे, हमारे अकॉर्डिंग क्या था कि ये वाला पाथ प्रेफर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, क्यों मैम, देखो स्टूडेंट्स हर एक रिएक्शन का क्या होता है, एक वे होता है तोड़ने का, ठीक है, जैसे कि हमें ऑफकोर्स इसको जब हमने सिंथेसाइज भी करना ना, हमने बस इसका डिस्कनेक्शन नहीं कराना है, ठीक है, तो एक बार इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाकर देखिए, इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे RMgBr, है ना, इधर लिख देते हैं RMgBr, इसके इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या बनेंगे, इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, बताओ जल्दी से मैम, कुछ नहीं इधर एक्स लगा दो, नहीं, इसको पीछे देखना तुम्हें पता चलेगा ये बनेगा भैया ईपोक्साइड। आई होप आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा वाई वी आर प्रेफरिंग दिस वन, बिकॉज इनसे इस कंपाउंड का सिंथेसिस कराना इज क्वाइट ईजी, ठीक है मैम, लेकिन हमें ऐसे कैसे पता चलेगा हर एक एग्जाम्पल में, क्योंकि स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट है जो मुझे आज की क्लास में आपको मेन समझाना है 1 1 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन से। अभी देखो जो बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे ना, देखो मैं बताती हूँ, बस यही वाला एक्सेप्शन आपको इस वाले में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको 1 3 का भी एग्जाम्पल लूँगी, ये सेकेंड एग्जाम्पल 1 2 का भी दूंगी, उनमें आपको सेम ही करना है जैसे हम कराते आए हैं। ये अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको डिस्कनेक्ट, देखिए करके देखिए मैम, इसको भी नेम करें 1 2 3, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर जब 1 2 हो सकता तो हम 1 2 ही करेंगे, करिए इसको ब्रेक। अब देखो मैम यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव, मैं कहूँगी बिल्कुल सही करा है, ये बिल्कुल सही किया है, अब कर लो, 3 वाला बेचारा अकेला रह जाएगा पॉजिटिव प्लस में,
दिस वन डबल बोन्ड ओ, और यहाँ पे फिर से क्या आपके पास आर ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आया है आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बना लो इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट। वन मोर थिंग मैं आपको बताती हूँ, चलो पहले एक बार इसको कर लेते हैं। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा मैम? वही CH3X। किस पे? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब रिएक्ट कर सकते हैं। इसका क्या बनेगा मैम? ये एच पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, क्या बना देगा ये बना देगा भैया कीटोन, RCH3। ठीक है ना, बन गया ना कीटोन। अब एक बात बहुत बहुत ध्यान से समझो, जैसे कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना स्टूडेंट्स, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है ना, वो हमेशा प्रेफर करता है कि वो क्या आए, नेगेटिव हुए। क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, इसका टेंडेंसी है इसको खींचने का इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, और ये क्या करेगा यहाँ से रेजोनेंस कॉन्जुगेशन दिखा देगा। कॉन्जुगेशन किस में होती है? डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये उस दिन में आपको दिखाया था। ठीक है, डबल सिंगल डबल हो, या डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल पॉजिटिव भी हो। तो मैम देखो, अब आपने बोला पॉजिटिव भी हो तो पॉजिटिव रख दो, चलो रख के देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ओ CH2 पॉजिटिव, अब करो इसको मैम, करना क्या है, ये इसको इधर से खींचेगा तो ये उसको दे देगा। दे सकता है भैया? ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कहाँ से देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या बनती है? दूसरी बात ये बनती है कि ऑलरेडी ये कार्बन इसके खींचने पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, और डेफिशिएंट डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे जिससे इसको अनस्टेबल कर देंगे। दैट इज़ वाई वी प्रेफर दिस ओवर दिस वन, राइट। तो अब हमने क्या बना दिया, इस तरीके से हमने अपना कंपाउंड बना दिया। आपको बस इस वाले के इसका थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी मैं अभी आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तो उससे आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक बार जो ये वाला एग्जांपल है ना, इसके लिए हम एक बार बुक का अप्रोच भी देखते हैं जो इन्होंने इसके लिए रीज़न दिया है। इन्होंने बोला है कि फॉर दिस वन इट मेक्स सेंस टू अवॉइड द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, देखिए भाई, ऑर्गेनिक में ना हम थोड़ा लॉजिक लगा रहे हैं, तो जो हमारे 1, 1, 1, 2, 1, 3 के जो तीन एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ, जो 1, 1 और 1, 2 का एक एक करा दिया है, एक ये वाला छोड़ के बाकी के जो तीन एग्जाम्पल मैं कराऊंगी वो क्या कह रहे हैं, उनमें सेंस बन रही है लॉजिकली, वो आराम से ब्रेक हो रहे हैं, बट सिर्फ ये वाला क्या है, एज एन एक्सेप्शन, इसको याद कर लो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वाले चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेन हम दिस वन एंड इसका ये वाला एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 1,3 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन के एग्जाम्पल से। यहाँ पे भी 1 फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करते हैं, रेट्रो करते हैं, इसका नाम नेमिंग कर दीजिए 1, 2, 3। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा 1, 2, 3, तो ये 1, 1 होता है, ये 1, 2 होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1,3 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, 1,3 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन। ठीक है ना, अब देखिए इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पहुँचना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है ना, बार दिखते नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो कर लो अब, मतलब ये कैसे ब्रेक होगा बॉन्ड, इस तरीके से ब्रेक होगा, आर नेगेटिव आएगा हम पे प्लस में, इस तरीके से बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमें पे CH2 पॉजिटिव। ठीक है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो इसके मैम, अभी तो बनाए थे RMGBR। ठीक है, और प्लस में दिस वन, इसका क्या बन जाएगा, कोई भी ग्रुप अटैच कर दो भाई, है ना, हेलोजन कर दो, एक्स कर दो, BR कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम हेलोजन अटैच कर दो, दिस विल बी आर सिंथेटिक इक्विवेलेंस। अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया था स्टूडेंट्स, वो आपको पूछ रखा था दैट व्हाट इज 1,1 कार्बन कार्बन, 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, और उसमें आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना था 4.5 मार्क्स में। तो मैंने आपको जो PDF में डेफिनेशन प्रोवाइड करा रखी है, आप वो करेंगे। तो अब हम स्टार्ट क्या करते हैं, अब हम इसका कुछ, ये तो आपका बेसिक एग्जांपल था, मतलब एक जनरल इक्वेशन थी जिसमें हमने R कुछ मान नहीं रखा था खास। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, है ना, कि मैंने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का ही एग्जांपल लिया है। आप अपने गिवन क्वेश्चन में ये एग्जांपल भी पुट कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये एग्जांपल है और आपको बोल रखा है कि इसका डिसकनेक्शन कराओ। मैम
सबसे पहले तो नंबरिंग कर देते हैं, जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच उसको 1 then 2 then 3। मैम इनको भी तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हम एक एक करके सारे पाथवेज देखते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4। ठीक है, कोई भी आर ग्रुप अटैच मान लो। मैम फिर आप तो बोल रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा पाथवे होता है ना दूर वाला, उसको प्रेफर करते हैं, लाइक यहाँ पे 1 1 होएगा, यहाँ पे 1 2 होएगा, यहाँ पे 1 3 होएगा। ठीक है, तो मैम फिर उस हिसाब से हमें क्या कराना चाहिए, हमें डिसकनेक्शन कराना चाहिए यहाँ से। ठीक है ना, करा लो। क्या होएगा हमारे पास, पीएच ओएच, ठीक है ना, इधर से डिसकनेक्शन कराओ, पोलैरिटी सेम रखना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, इधर आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास और नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा मैम, होगा क्या होगा, यही स्टूडेंट्स की ये इधर पे अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा, 4-membered रिंग बनाएगा इस तरीके से। सबसे पहली बात, 4-membered रिंग हाईली अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होएगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। दूसरी बात, इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप हमने दो दो यहाँ पे अटैच कर सक कर रखे हैं, ये भी क्या करेगा इस रिएक्शन को फेवरेबल नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है मैम फिर पाथ बी बताओ। तो अब हम मतलब इसका 1 3 डिसकनेक्शन तो नहीं करा सकते। ठीक है, तो मैम इसका 1 2 डिसकनेक्शन करा के देख लो। चलो भैया करा देते हैं, ठीक है ना, कराओ अब इसका 1 2 डिसकनेक्शन। ये मैंने 1 3 लिख दिया, अब हम 1 2 करते हैं। करो, क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पीएच ओएच कार्बन। ठीक है ना, इस पर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे अब हमारा फिर से उम्पलोंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फिर से हमें इपॉक्साइड बनाना होगा ना इसको स्टेबल करने के लिए, इसीलिए ये कैसे टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर ही जाएगा जो ग्रुप हम डिस्कनेक्ट करें। हम यही देख रहे हैं कि जो भी ग्रुप डिस्कनेक्ट हो रहा है ना वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर जा रहा है, तो चलो भेज दो इसको नेगेटिव चार्ज दिला के। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया हमारे पास इस तरीके से नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, CH2 CH3। चलो ये तो हम CL लगा देंगे, बट बात अब इसकी है, अगेन ये क्या करेगा, अपने इसको लोन पेयर देगा, क्या बना देगा, इपॉक्साइड बना देगा। मैम इपॉक्साइड तो स्टेबल होता है, अब उस 4-membered से तो स्टेबल ही होता है। स्टूडेंट्स अगेन बल्कि ग्रुप्स, ये बल्कि ग्रुप स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे मैम, वेट, अब यहाँ से 1 1 मत करा देना। क्यों नहीं करा दूँ भाई, क्योंकि मैम आप इधर से भी 1 1 करा दोगे ना तो भी आप कहोगे कि ये बल्कि ग्रुप तो लगे ही हुए हैं, तो भैया क्या डिस्कनेक्ट कराएं। मैम आप एक काम करो, इसी को डिस्कनेक्ट करा दो, करा दे डिस्कनेक्ट। ठीक है जी, करा देते हैं। हम कहते हैं क्या करा रहे हैं, ये करा रहे हैं हम 1 1 डिस्कनेक्शन, 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कराइए। अब मैम पोलैरिटी बताओ सबसे पहले, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, वैसे भी हमें पता है फिनाइल रिंग जो होती है न्यूक्लियोफिलिक होती है, वो प्रेफर करती है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या बनेगा हम पे, पीएच नेगेटिव। और जो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जो भी ग्रुप डिस्कनेक्ट होता है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाना प्रेफर करता है, फिर इसमें जो बच जाएगा वो क्या बचा, OH। ठीक है, इधर बचा है हमारे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैम अब कौन सा है स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा भाई, करो PH, क्या जोड़ोगे इसके साथ। मैम PH के साथ आप जोड़ सकते हो MgBr। ठीक है भैया, जोड़ देते हैं प्लस। मैम आप PH को H पॉजिटिव से भी तो अटैक करा सकते थे। ठीक है, हाँ भैया करा तो सकते थे, लेकिन अगेन क्या हो जाता, बेंजीन जो है फिर उसको रिएक्ट करा के इसको, है ना, इसका फॉर्मेशन कराना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने यूज़ करा है। ठीक है, अब क्या है, अब हम पे यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो देखो मैम लगा दो CL। नहीं स्टूडेंट, CL नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमने देखा था ना ओ पे लोन पेयर है। टेबल एक बार देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने नहीं आ रहे हैं तो ठीक है ना। और सो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पोलैरिटी,
इसकी पॉजिटिव थी तो ये दे देगा, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कार्बन कार्बन, वन वन कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन, वन ग्रुप वाला करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, हमने अल्कोहल वाला एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, जिसमें अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप वाला सेकंड एग्जाम्पल है, और ये भी वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन का ही हमारे पास एग्जाम्पल है। देखते हैं हम इसमें वन वन लगाते हैं, टू टू कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन लगाते हैं, वन थ्री लगा, सॉरी वन वन, वन टू या वन थ्री कौन सा लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इनोल फिनोल इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाते हो, फिनोलेट आयन, ये वर्ड्स मतलब बहुत आपको यूज़ करते मिल जाएंगे ना बुक्स में, एज अ जैसे बुक कोई भी रेफर कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, जिनको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर लो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए। ये क्या आपके पास फिनोल, ठीक है, ये क्या है हमारे पास फिनोल। तो मैम फिनोलेट क्या होता है, या फिनोलेट आयन हो जाएगा जब आप इसका एक एच पॉजिटिव रिमूव करा रहे हो। मान लो आपने इसमें कोई बेस डाल दिया, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, एच पॉजिटिव रिमूव होगा, क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपके पास, फिनोलेट आयन। सो मैम अब इनोलेट क्या होता है, यार कुछ भी है, देखो बेंजीन रिंग के अलावा कोई भी आर ग्रुप, लाइक एलिफेटिक ब्रांच, कैसा भी कोई आप कार्बन वाली चेन का कोई भी ग्रुप लगाओ, उसके साथ आपका ये जब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इनोलेट आयन क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा इनोलेट आयन, ठीक है ना। चलिए अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारे इस वाले एग्जाम्पल से। आप एक बार इसका डिस्कनेक्शन करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके, ताकि आपको पता चले दैट आप कहाँ गलत सोच रहे हो, ओके, और क्या पता सही ही सोच रहे हो। ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बस थोड़ा सा देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, हम इसमें डिस्कनेक्शन करवाएंगे कौन सा वाला, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैम नाम कर दे दो पहले तो, 1 2 3, ठीक है, चलो कराओ। सबसे पहले मैम आप 2 3 वाला, मतलब 1 2 वाला डिस्क, मतलब 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कराना प्रेफर करो। मैं आपको बोलती हूँ कि ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जस्ट इससे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है क्यों नहीं होगा। देखो स्टूडेंट, ये कैसे टूटेगा, कि हमारे पास टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमारी अप्रोच क्या कहती है कि जो डिस्कनेक्ट होता है वही वाला नेगेटिव लेकर जाएगा, क्या आ जाएगा, उम्फलोंग बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे। सबसे पहले हम क्या करा देते हैं, हम करा देते हैं FGI करा देते हैं। FGI क्यों करा दोगे मैम, क्योंकि यार देखो इधर से भी तोड़ोगे, है ना, इधर भी क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मतलब इसका जब आप इसको सिंथेसिस करोगे उसमें बहुत डिफिकल्टी आएगी। अब क्या कराओगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से, क्योंकि आप इसको नहीं तोड़ सकते ना, CX बॉन्ड, CX क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटना प्रेफर नहीं करेगा इतनी जल्दी से, इसलिए हम क्या कराना है, इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। इसके ड्यूरिंग आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। मैम इससे भी क्या ही हो गया, देखना अब क्या ही हो गया, अगेन क्या है, अगेन बात तो वही है कि डिस्कनेक्शन होगा किधर से, इधर से होगा 1 2 3, या फिर इधर से होगा या फिर इधर से होगा, बताएं, सोचे सोचे। मैम देखो पाथ ए से करा के देखते हैं, पाथ ए से गया ये इस तरीके से लेकर जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्रिएट। मैं कहती हूँ यार फिर से उम्फलोंग वाली दिक्कत आ गई, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑल्सो इधर देखो पॉजिटिव आ भी जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, देखो नेगेटिव आया तो ये जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो नहीं बनेगा स्टेबल, पॉजिटिव आया तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इपोक्साइड बन जाएगा, फिर से उस पर क्या बल्कि ग्रुप अटैच है, सॉरी यहाँ से हमारा क्या बनेगा, फिर इपोक्साइड बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा 1 1 DX, मतलब 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन वाला पाथवे एक बार फॉलो करके देखते हैं। 1 1 कार्बन कार्बन, आप यहाँ पे कार्बन कार्बन जरूर लिखिएगा जब कार्बन कार्बन की बात हो रही है, कराइए। मैम ये ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम लॉजिकली ही तोड़ रहे हैं, OH नेगेटिव, इधर आ जाएगा आपके पॉजिटिव, प्लस में C5H11, बस यही है ना, CH2 पे नेगेटिव और C5H11 हो जाएगा इधर। अब देखो अब आप क्या करोगे, आप इस पर क्लोरीन का अटैक कराओगे, ठीक है, क्या बना देगा,
1, 2, 4 जिस जिस बच्चे ने ये बनाया है ना, अपना दिमाग चलाओ, इस पर काटा मार लो बड़ा सा। क्यों मार लो? ताकि आपको याद रहे कि आप ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो। क्या बनना चाहिए बताओ? मैम बनना चाहिए ये, समथिंग लाइक दिस। इधर आ जाएगा आप पे एच, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इधर इधर आप लगा सकते हो, क्या CH2 है ना, ये C5H11 लगा दो इधर, MgBr लगा दो भाई, Li लगा दो, कुछ भी लगा दो, आपकी मर्जी है, कोई भी पॉजिटिव वाली चीज़, ठीक है। कोई भी मेटल लगा दो बेसिकली, बिकॉज मेटल्स आर बेसिकली पॉजिटिव। अभी ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बात आ जाती है कि मैम क्या ये फर्दर डिस्कनेक्ट हो सकता है? कि चलो हम ये तो ले आएंगे, अब बात आती है इसकी, क्या ये फर्दर डिस्कनेक्ट हो सकता है? मैम पूछती हूँ, तुम ही बता दो भाई, हो सकता है क्या? मैम हो तो सकता है, क्योंकि ये देखो इधर से भी तो वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हो ही रहा है, ठीक है। अगेन बात आती है, क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराओ, पहले करा दिया, अब क्या हो जाएगा हम पे? ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा आप पे OH। अब करा दो, अब भी देखो पोलैरिटी तो सेम ही रहेगी, पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड बना देगा। बनवाओ इससे 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ये हो जाएगा ना, ये भी वन पे, ये वाला डिस्कनेक्शन। अब बन जाएगा आप पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और प्लस में OH, ठीक है। इस कार्बन पे ऑलरेडी देखो एक हाइड्रोजन होगा, ये आपके पास मान लो CH3 है, तो CH3 है, H ये रहा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, OH यहाँ पर था। मैम बना क्या देगा ये? आप बनाओ, आप बताओ भैया क्या बनाएगा, क्या होगा? ये OH वाला बोन है ना, ये इससे अपना बोन खींचेगा और क्या बनाएगा आप पे? कीटोन बना देगा। कीटोन बन गया क्या? मैम एल्डिहाइड बना है, हाँ जी, क्योंकि इधर हम पे H था, R नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम पे एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और ये सेकंड, इसको MgBr से कर सकते हो, ये सेकंड हो गया आप पे, और ये वाला क्या हो जाएगा आप पे? बना था ये नहीं, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। इसका कुछ करा नहीं हमने, कर लो CH2, इधर भी MgBr लगा देंगे, लगाया तो था शायद, ये लगाया हुआ है, ये रहा, ठीक है, आ गया समझ। एक बार दोबारा देख लो क्या था हम पे, हमने इधर से डिस्कनेक्शन करा कर देखा और इधर से करा के देखा, हमने देखा दिस इज़ नॉट स्टेबल वन। और सबसे पहली बात, इधर का डिस्कनेक्शन से पहले हमने क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर लो, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारा सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं बन रहा था। अब हमने क्या कराया, जैसे ही हमने इसका डिस्कनेक्शन कराया, सॉरी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराया, तो क्या हुआ यहाँ पे? मैम रिडक्शन हुआ था, बैक स्टेप में आते टाइम क्या करा देंगे, इसका सिंथेसिस कर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है। अब हमने 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर लिया ना, क्योंकि 1-2 पे क्या हो रहा था, हम पे स्टेबल नहीं बन रहा था, ठीक है। ये अगर आपको अभी नहीं समझ आए कि क्यों नहीं स्टेबल बन रहा था, इसके पीछे वाला एग्जांपल देख लो जस्ट। अब क्या है, जैसे हमने इधर से डिस्कनेक्शन कराया, डिस्कनेक्शन के बाद हम पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी यूज हुई, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव इस वाले कार्बन पे आया, और जिसके क्या बन गया हमारे पास, ये 10-1, ठीक है। इसको फिर हमने फर्दर FGI कराया है, फर्दर हमने इसका वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करा के, और इसको हमने इस तरीके से रीअरेंज करके इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखा। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो हमारे पास नॉर्मल था ही, ये थोड़ा सा स्किप हो गया था स्टूडेंट्स, देख लो इस साइड भी हमने ये बनाया था, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने गलती से यहाँ CH3 लगा दिया, इधर क्या था, एच ही था, ठीक है। तो आप इधर एच लगा लीजिए, एच इधर भी एच, ठीक है, और इधर भी क्या आ जाएगा आप पे, एच, क्या बन जाएगा ये आपके पास, HCHO, दैट इज़ आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अब प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड वाला हो गया। अब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हमें किस तरीके से डिस्कनेक्शन कराना है, लेकिन अब आप ये देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना, तो वन ग्रुप का ही एग्जांपल हुआ ये भी, बट अब बात ये है कि मैम ठीक है, मान लिया कि 1-1 डिस्कनेक्शन होगा, बट अब आप ये बताइए कि इधर की साइड होगा या फिर इधर की साइड होएगा,
ठीक है, बात आ जाती है हमारी सारी की सारी यहाँ पे। तो देखो क्या हो सकता है, आप पे हो सकता है 1-1 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन कराइए। हो सकता है कैसे कि हम पे बन जाए नेगेटिव, इधर आ जाए पॉजिटिव, ठीक है। और पाथ बी क्या हो सकता है, अगेन ये भी 1-1 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन ही होगा, बट इधर आ जाएगा पॉजिटिव और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इनका सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट में आप सीधा क्या लगाइए, कोई भी इसके में देखिए, इसमें लगाइए सीधा कोई भी हेलोजन, बी आर लगा दिया मान लो, ठीक है ना। इसमें क्या लगाइएगा, इसमें आप लगा दीजिए एम जी सी एल, एम जी बी आर लगा दीजिए, हो गया इसका। मैम वो तो ठीक है, पर बात हमारी मेन दिक्कत आ कहाँ रही है, हमारी दिक्कत आ रही है सी ओ ओ एच वाले ग्रुप पे। देखिए सबसे पहली बात, पॉजिटिव वाले का थोड़ा सा इजी मुझे लगता है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। दैट इज़ ये अपना जो हाइड्रोजन से बॉन्ड है इसको ब्रेक कर लेगा और किसको दे देगा, इधर बना देगा, दैट इज़ सी ओ टू आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इधर से प्लस एच पॉजिटिव, ठीक है ना। जब आप इसका मतलब वो कराएंगे ना सिंथेसिस, तो आपको पता चलेगा कि आपने इसमें क्या डाला था, बेस डाला था जिससे आपका एच पॉजिटिव वो ले गया और इधर से आपका सी ओ टू बन गया, ठीक है। अब मैम बात हो जाती है नेगेटिव चार्ज वाले का क्या होएगा, यार देखो नेगेटिव चार्ज वाले का क्या ही होना है, जब आप इसका डिसकनेक्शन कराते हैं क्या होएगा, ये सी एन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैम इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी बता दो, क्योंकि डिसकनेक्शन तो ठीक है हम मान लेते हैं कि आपने चलो करा दिया एफ जी आई करा दिया, यार देखो वापस जाते टाइम आप क्या करोगे, इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे इसका, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको फिर फर्दर आप क्या लिख सकते हो, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एच सी एल, ठीक है कर लोगे। चलो अब हम करते हैं हमारे 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन की बात, और उसमें हम फिर से क्या एग्जांपल लेंगे, अल्कोहल का, फिनोल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तीनों के एग्जांपल्स लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, दोनों कार्बोनिल के हैं, ये अल्कोहल का, फटाफट से इसको करके देखिए, मैंने बता दिया सब में क्या होगी, 1-2 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन होगी। सबसे पहली बात, आई थिंक अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैम इस वाले बॉन्ड को क्यों ब्रेक करेंगे और इस वाले को क्यों नहीं करेंगे, बट एक बार एक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट जैसे जो पीएच है हमारी फिनाइल जो रिंग होती है वो होती है हमारी ये फिनाइल रिंग, और इस पर क्या रहता है, इस पर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रेफर होता है ना, इतना हमें पता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो इनमें किस पर प्रेफर होगा, कुछ डिफाइंड नहीं है इसमें, कुछ डिफाइंड है, कुछ डिफाइंड खास है नहीं। मैम इधर से थोड़ा बहुत बता सकते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का केस लगा के, लेकिन क्या है ये तो क्या है, विड्रॉइंग अफेक्ट शो करेगी ही करेगी, दैट इज़ वाई क्या है हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ कार्बन कार्बन नॉर्मल वाला, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है, जो डिसकनेक्ट होता है ऑफकोर्स वही लेकर जाता है नेगेटिव चार्ज, ऑल्सो फिनाइल रिंग पे भी नेगेटिव चार्ज प्रेफरेंस होता है, ऑल्सो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का क्या करते हैं, बाकी के दोनों कॉन्सेप्ट लगा के और क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके पास बनेगी ये पीएच नेगेटिव और यहाँ पे प्लस में ओएच और इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव को कैसे हटाओगे मैम, इसका पॉजिटिव कैसे हटेगा, है ना, पॉजिटिव पे ये जाके अटैक करेगा और क्या बना देगा इसको, ईपोक्साइड, ठीक है ना, ऑल्सो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, बात इसकी आ जाएगी तो क्या आ जाएगा इस पर पी एच एम जी बी आर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले की बात हो जाती है कार्बोनिल वाले की, देखो किस तरीके से इसमें ब्रेक होना प्रेफर करेगा, 1-2-3 1-2, तो ऑफकोर्स 1-2 प्रेफरेबल होता है ना, 1-1 से ज़्यादा करो इसको, अगेन कैसे करेंगे हम इसको ब्रेक, मैम ऐसे होना चाहिए, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे वही वाली दिक्कत आ रही है कि इधर पॉजिटिव आना चाहिए और उधर नेगेटिव आना चाहिए, तो भैया करेंगे क्या मैम। सबसे पहली बात तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव देने से पहले आप इसको थोड़ा स्टेबल बना लो, ठीक है। स्टेबल कैसे बना ले मैम, अभी आपने जो पिछले दो एग्जांपल्स में करके दिखाया, एफ जी आई तो सेम ही रहेगा ना यार, है ना, चाहे 1-1 हो चाहे 1-2 वाला हो,
कर लिया ना। अच्छा सेम ही बना दिया मैंने गलती से। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये होने के पास अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अब कर दो मैम इसको जैसे उनमें करते आ रहे थे। कैसे, जो डिस्कनेक्ट होएगा मैम उसी के पास नेगेटिव दो, आर नेगेटिव दे दिया प्लस में, आर इधर आ गया, OH इधर आ गया, पॉजिटिव आपके पास इधर आ गया। ठीक है, अगेन ये क्या करेगा आपको, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना के दे देगा ओ आर आर एम जी बी आर। ठीक है, इतना क्लियर है मैम? ये तो अब इजी इजी लगने लग गया। इजी तो लगेगा ना यार, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन बहुत परफेक्ट। इस थॉट में मैन का मतलब सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके, ह्यूमैनिटी का मतलब है इसमें, ह्यूमन का, ओके। चलिए, यह कि यार ये उम्पलोंग फेवरेबल नहीं करता, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें फिर भी हो जाएगा उम्पलोंग, क्योंकि रिवर्सल तो हो ही रहा है ना पोलैरिटी का, सॉरी रिवर्सल नहीं हो रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेकर निकलना चाहिए था बट ये नेगेटिव लेके निकल रहा है। दैट मीन्स इसमें लिख लो बेशक से कार्बन कार्बोनिल वाले में उम्पलोंग नॉट फेवरेबल, बट इस वाले में अल्कोहल वाले में OH वाले में हमारे पास उम्पलोंग फिर भी फेवरेबल हो जाता है, फेवर्ड। ठीक है, ये चीज़ यार अपना थोड़ा लिख लेना कहीं पे ढंग से, ताकि आपको याद रहे कि आपको हर बार क्या करना है। आपको पोलैरिटी मतलब आपको FGI कराना है पहले इसका। अब किस पे आ जाते हैं हम, अपने थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहली बात ये क्या है, कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बोनिल कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला कार्बन। दैट मीन्स अगर आप इसको यूज़ करते हो बिना FGI करे तो आपका क्या होगा, सिंपल सी बात, सबसे पहले तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। ठीक है मैम, ब्रेक कहाँ से करेंगे हम, 1-2 कार्बन कार्बन इस कनेक्शन पढ़ रहे हैं, इधर से हम इसको ब्रेक करेंगे मैम। नेगेटिव पॉजिटिव ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला कार्बन हमेशा हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी फेवर नहीं करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इधर मस्ट नेगेटिव। ऑल्सो मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रही हूँ बार बार, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बनते हैं, एरोमेटिक रिंग में बनते हैं। ठीक है, ये रिंग नहीं है सबसे पहली बार। ठीक है, अब चलो अब करो इसको, किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। इधर आप पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज, इतना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं मैम, अब इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो ये एग्जांपल है ना, इस पर एक बार अच्छा से स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक विनी विनी नाम करके कुछ उसका नेम था, आई डोंट नो, उसका इंस्टाग्राम पे DM आया था, उसने मुझे मेलोनेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोला था, मेलोनेट का रेट्रोसिंथेसिस टारगेट मॉलिक्यूल गिवन था। तो उसके लिए बच्चे बहुत ध्यान से समझ लो ये बात, इसका तो ठीक है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट सिंपली आपका बन जाएगा ये Cl। ठीक है ना, सिंपली इसका क्या बनेगा, जब आपके पास क्या हो इस तरीके से कार्बोनिल कार्बन हो, उस पर CH2 नेगेटिव लगा हुआ हो, तो आप इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना प्रेफर करेंगे, कौन सा वाला जो एक्टिवेट कर दे, मतलब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएंगे। मैम अभी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, बस एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है ना, ये CH2 नेगेटिव था तो इस पर मैंने COOH लगा दिया। क्या है ये हमारे पास मैम, ये हो गया हमारे पास इथर, इथर लगा दिया। मतलब ये किस तरीके से होगा, कुछ सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी होगा, इसने डेफिशिएंट कर रखा है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इस पर आके ऐसे अटैक करेगा, और उसने इस तरीके से इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रखा है। पर मैम इसका काम क्या है ये तो बताओ यार। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई नेगेटिव अगर आ रहा है तो वो क्या जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ये ग्रुप है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी विड्रॉइंग है, ये ग्रुप क्या है, ये भी विड्रॉइंग है। तो अगर आपको इससे क्या हो रहा है, जो ये हाइड्रोजन आपके ग्रुप अटैच है ना, ये क्या बन रहे हैं, इससे एसिडिक हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है, मतलब
ये हाइड्रोजन जाना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि भाई हम जल्दी चले जाएं, समझ रहे हो, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन और दो दो ग्रुप, दो दो कार्बोनिल यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, ये वाले जो हाइड्रोजन आपके क्या बन जाएंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ये रिमूव होना चाहते हैं। मैम इससे फ़ायदा क्या है? यार देखो, इससे फ़ायदा ये कि आपका रिएक्शन ना बहुत जल्दी से होएगा। क्या मतलब? कि ये जितना जल्दी करेगा एच पॉजिटिव उतना जल्दी जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा और ये जल्दी से जल्दी क्या करेगा, उतना रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हो आप एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेट कर रही है आपने इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते टाइम आपने क्या करा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप इस पे लगा दिया ताकि इसका एसिडिटी बढ़ जाए, जिससे कि क्या करे, फर्दरली जल्दी से रिएक्ट करना लग जाए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको एक नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल 1,3 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन का एग्जांपल और दे देती हूँ, जिसके बाद आपका ये चैप्टर सम अप हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है 1,3 कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन के एग्जांपल में, ये माइकल एडिशन है मैम, ये तो आपने सिखाया नहीं, कोई बात नहीं, जब हम 2 ग्रुप CX डिसकनेक्शन CC डिसकनेक्शन पढ़ेंगे ना, तब हम ये देखेंगे अच्छे से क्या होता है माइकल एडिशन। अभी बस आप इतना देखिए कि कार्बन आयन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। मैम ये क्या है, मैं कहती हूँ पहले भी इसको सॉल्व करो तुम्हें इसका मतलब पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये 1,1 है, ये 1,2 है, ये 1,3 है, तो किधर से डिस्कनेक्ट करेंगे, 1,3 से, क्या हो जाएगा हम पे 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ठीक है। अब क्या करोगे मैम, अब इसका पोलैरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव, और वैसे भी जो डिस्कनेक्ट करा है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो चलो लगा दो, सिंपल जैसे लॉजिकली हम करते आ रहे हैं ये वैसे ही होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, हार नेगेटिव, ठीक है ना। बनाओ कैसे बनेगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप पे आया RMGBR, ये तो क्लियर है मैम। आप ये बताइए अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन कैसे लाओगे, बस देखो यार, ये अल्फा पोजीशन, ये कार्बन है ना, इसके ऊपर ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना O, ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा पोजीशन होती है, तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आना चाहिए, अनसैचुरेशन आना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए। मैम लाएंगे कैसे यार, अल्फा पे देखो, अल्फा पोजीशन इधर लिख दें आपकी, ये अल्फा पोजीशन है, ये आपके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना, है ना। तो अब क्या करेगा ये पॉजिटिव है ना, ये प्रेफर करेगा कि ये हाइड्रोजन से, मैम क्यों जा रहा है ये हाइड्रोजन यार, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है, क्योंकि ये कार्बोनिल के एडजेसेंट में प्रेजेंट है ना, एडजेसेंट वाले कार्बन पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी एसिडिक शो करेगा, तो जल्दी से जाना प्रेफर करेगा, जिससे हम पे क्या बन जाएगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, आप पे बन जाएगा ये कुछ इस तरीके का, डबल बॉन्ड हो, इधर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। सो दिस विल बी आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो हमने क्या करा, माइकल एडिशन ऑफ कार्बन आयन। मैम कार्बन आयन बना क्या, कहाँ पे, देखो यार यहाँ पे क्या हुआ होगा, इधर आपके पास गया होगा ये, एक सेकेंड, नेगेटिव आया ना, एच पॉजिटिव रिमूव हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन आयन से हमने क्या बना दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपका 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब जो टॉपिक है वो ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं, तरीके से डिस्कनेक्शन होता है वो देख लिया है, तो आई मस्ट प्रेफर कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो हम आगे एग्जांपल्स करेंगे ना, जितने भी आपको PYQs में कराऊंगी, है ना, कुछ ईयर्स के मैं कराऊंगी, बाकी आप में से किसी के पास 2023 and 2022 का तो आई थिंक मेरे पास है, 2023 का ही, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर देना पूरा का पूरा, अभी मेरे पे है नहीं, क्योंकि वो ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे DM कर दीजिएगा अभी के लिए, या फिर PDF भी सेंड कर दीजिएगा। अभी देखो बात क्या है, बात ये कि इसको बहुत अच्छे से करिएगा और इसका प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आई नो दिस इज़ नॉट अ बच्चों का खेल वाला चैप्टर ना, ये थोड़ा सा क्वाइट हल्का सा, मतलब क्या आता है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट लाइक मैथ्स, ठीक है, पढ़ने से नहीं आती यार, मेरे वीडियो देखने से नहीं आएगी, मेरे करने से नहीं आएगी ना, आपको खुद करना पड़ेगा। सो आई रियली रियली सजेस्ट यू कि पीपल जस्ट
प्रैक्टिसाइज दीज थिंग्स। और तो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम थर्मोडायनामिक्स जो है, आई थिंक थर्मो केमिस्ट्री, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वो स्टार्ट करा दो। तो स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी। ऑल्सो जितने भी गोहाना पीपल हैं उन सब के लिए, इवन ऑल जो भी यहाँ आसपास भी रहते हैं, तो अभी मैं ऑफलाइन बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के। तो जैसे जैसे आपका क्लियर होता जा रहा है, आप ऑफलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको स्पेसिफिक जो ऑनलाइन क्लासेस हैं लाइक जूम पे, मैं आपका अलग से कोर्स शुरू करूँगी। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना अपना रिस्पॉन्स, अपनी अपनी क्लासेस और अपनी अपनी सिटी एक बार करिएगा सेंड, ताकि मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है या अभी ऑफलाइन बैचेस ही कंटिन्यू रहेंगे। ऑफलाइन बैचेस में स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो वो भी आप मुझे बताइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लासेस को शुरू करें, ठीक है। क्लासेस ऑन रहेंगी 9th, 10th, 11th, 12th के लिए, 9th और 10th के लिए मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों, और 11th, 12th के लिए केमिस्ट्री स्पेसिफिकली प्लस में बायोलॉजी के जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो भी, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको सब लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हों। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल द एमएससीएंस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।